सरकार ने 1 अप्रैल से सभी मंडी प्रशासन को गेहूं खरीद शुरू करने के साथ मंडी में गेहूं रखने की व्यवस्था के आदेश जारी किए हैं। वहीं किसानों की फसल के लिए उचित बारदाने और तिरपाल की व्यवस्था के बारे में भी दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि अम्बाला दिल्ली जीटी रोड स्थित बुआना अनाज मंडी का दौरा करने पर सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। यहाँ फसल रखने के लिए 5 शेड बनाए गए हैं, जिनमें गेहूं की बोरियों को रखने के लिए बने लकड़ के पैड और तिरपाल का उचित इंतजाम किया गया है। जब हमारी टीम ने अनाज मंडी का दौरा किया तो नवनियुक्त मंडी सचिव धीरज भारद्वाज का कहना है कि सरकार की तरफ से किसानों को उनकी गेहूं का MSP 1975 रुपए रखा गया है, जिसमें फसल बेचने के लिए किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। साथ ही मैसेज होने पर किसान की फसल की नमी जांचने के बाद उसमें फटता लगाना सूखने के बाद खरीदा जाएगा। इसी के साथ अम्बाला के सीमांत पटियाला व मोहाली के किसानों की फसल भी खरीदी जाएगी। सचिव का कहना है कि इस फसल के दाम सीधे किसान के खाते में जाएंगे और आढ़तियों को 2.5% कमीशन भी दिया जाएगा। वहीं आज इस बारे में आढ़तियों की एक बैठक भी की गई, जिसमें उन्हें सरकारी कायदे कानूनों से वाकिफ करवाया गया। इधर आरती रविंदर का कहना है कि सरकार जब आढ़तियों को 2.5% कमीशन दे रही है और किसानों की फसल कीमत उनके खाते में सीधे ट्रांसफर करने की बात कह रही है, तो फिर किसान की फसल की नमी के पैसे भी उनके खाते से काटे। आरती का कहना है कि वैसे तो जब किसान चाहता है कि उनकी फसल का दाम आढ़ती को दिया जाए तो फिर सरकार को क्या एतराज है। मोहाली और पटियाला जो है ना किसान, वही रजिस्टर्ड हो गया यूपी का, कुछ इलाका लगता है उसके बाद यूपी के हो गया। जो हमारे जो सीमांत जिसके हमारे बॉर्डर टच हो रहे हैं उन्हीं का हमारे पास हो गया है। हर सबके सिटी में भी ऐसा ही है, अम्बाला कैंट भी ये दो ही जिले हैं मेनली। अगर स्लॉट उपलब्ध होगा तो उसको जगह मिल जाएगी कि उस तारीख को आप आ सकते हो, उस पर मैसेज चला, जगह नहीं मिली आप अगली तारीख का चयन करें, तो वो अगली तारीख को चयन कर सकता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही उसका वो कंफर्म हो जाएगा उस पर मैसेज आ जाएगा किसान के मोबाइल नंबर पर कि आपकी ये तारीख कंफर्म हो गई है, इस तारीख को आप सुबह की शिफ्ट है या शाम की शिफ्ट है उसमें आपने मंडी इनका बैठने का काम जरूरी है। कौन से आरती पे जाएगा ये सब हमने उसमें फिल कर देना है। गेट पास किसान का कट गया, उसके बाद फिर ऑप्शन की बारी, वही है ऑप्शन की बारी, कमेटी वालों ने ही देखा है। ऑप्शन भी कर लेगा अपना, जो हमारा ऑप्शन रिकॉर्डर होगा वो ऑप्शन कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने ऑप्शन कर दी एक मिनट, गेट पास कट गया आपका, उसके बाद कहाँ जाएगा कमीशन का? मर्दन हमारा काम था, हमने क्या हाँ। जैसे गेट पास करता है उसके बाद ऑक्शन ही होती है। किसान आपके पास गेट पास लेके आया, वो तो चलो एच रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है अभी तक, तो कोई नहीं, अगर बाई चांस कोई कह देता है तो क्यों नहीं करनी पड़ेगी, अभी तक तो कोई नहीं है क्योंकि जब सारा ऑनलाइन और गेट पास आएगा तो आरती ने कहीं उसमें फिर अपने आईडी खोल के एंट्री तो करेगा। वो चेक करेगा, सर्च मारेगा, आप बताओगे ठीक है ओके है इसको हमने तैयार कर दिया या सूखी दिया जो भी है, इंस्पेक्टर चेक करेगा उसको ओके कर देगा वहाँ पर। मेरा नाम नीरज भारद्वाज है, मैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। सर ये है जो इसका आपने MSP है वो 1975 है, और आढ़तियों के पास हमने बकायदा कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं कि उनके पास जो क्रेट्स वगैरह हैं
इलेक्ट्रॉनिक झरने हैं, मॉइस्चर मीटर्स हैं, उत्तरपाले हैं, ताकि इनके किसान की जो गेहूं है वो भीगने से, मौसम की खराबी के कारण कोई होती है तो भीगने से बचाई जा सके, उनके लिए इसके लिए उनके पास तरपाले भी हैं। 5 शेड हैं हमारे पास टोटल मंडी के अंदर, सब खाली है, इसमें कोई स्टैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ये रेडी है हमारी जो किसान की फसल को करने के लिए, हर तरीके से उनको सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे तैयार पड़े हैं। सपोज किसी पर तरपाल नहीं पाई जाती तो उनके खिलाफ जो भी लाइसेंस के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो सख्ती से की जाएगी। एक खरीद पोर्टल है हमारा जो हरियाणा सरकार के द्वारा तैयार किया गया है, जो खरीद है ऑनलाइन होगी, तो प्रॉपर शेड्यूलिंग की गई है किसानों की, उनके पास मैसेज जाएंगे पोर्टल की तरफ से ही, तो उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाया गया, उन्हीं को यहाँ पे आने दिया जाएगा जिनके पास मैसेज जाएगा, क्या जिनके पास मैसेज जाएगा उन्हीं को आने दिया जाएगा, बाकी जो लोग रजिस्टर्ड हैं पोर्टल पे उन्हीं की खरीद हो पाएगी। नहीं, खत्म नहीं किया गया इनका रोल, बस इतना ही है कि पेमेंट का जो मोड है वो डायरेक्ट रखा गया है, बस वो कि जो पेमेंट जाएगी वो किसानों के खाते में डायरेक्ट जाएगी, बस पहले बीच में आरती के अकाउंट में जाते थे, आरती उनको मतलब भूमिका रहेगी इसमें। देखो जी, आरती की भूमिका तो इतना ही है कि पेमेंट उनके खाते मतलब डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगी, आरती को आरती की आदत मिलेगी और जो भी उसके चार्जेस सारे वो मिलेंगे वो आपसे एडजस्टमेंट से, पर सिर्फ इतना ही है कि आरती का कुछ बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि पेमेंट है वो किसानों के डायरेक्ट खाते में जाएगी। आरती की कितनी कमीशन है अभी? 2.5%। और उसका रेट क्या एमएसपी क्या रखा हुआ है? 1975 रुपये। किसान एग्री है इसमें कहीं खरीद रहे जी? किसान आ रहे हैं जो मंडी में सामान लेके आएंगे, क्या वो इस रेट में एग्री है देने को? हाँ जी सर, बिल्कुल एमएसपी भी देने को एग्री किया है सर। ये भी नहीं है सीमांत किसानों का भी बकायदा जो ये है, जो हमारे सीमावर्ती किसान है हमारे जिले में अम्बाला कैंट के अंदर, तो मोहाली और पटियाला से मतलब दो जो जगह है सीमांत किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ भी है और उनकी भी गेहूँ खरीद की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब पंजाब की गेहूँ खरीदनी होगी, सीमांत किसानों की गेहूँ खरीदी जाएगी। रविंद्र शर्मा। हाँ जी, और मैं यहाँ अम्बाला कैंट अनाज मंडी में, मेरी आड़त की दुकान है और पिछले 5 वर्षों से मैं यहाँ पे अर्थ का कारोबार करता हूँ। सरकार ने 1 अप्रैल से अपनी गेहूं की प्रोक्योरमेंट करने का फैसला लिया है। सब जैसा एजेंसियों ने हमें अवगत कराया है कि उनके पास बारदाना और सब इंतज़ाम पूरे तैयार हैं और सरकार खरीदने के लिए दाना खरीदने के लिए कटिबद्ध है, और जिम्मेदार जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई हुई है, वो मंडी के गेट पे आके अपना गेट पास कटवा के जिस भी आड़ती के पास अपना माल बेचना चाहें वो माल उस पर अपना जाके बेच सकते हैं और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। जो आड़तियों का रोल ख़त्म किया उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? आड़तियों को सरकार का थोड़ा सा इसमें थोड़ा सिस्टम ठीक, आड़ती से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सरकार को ये करना चाहिए कि जो जिम्मेदार चाहे कि मेरे खाते में पेमेंट आए उस जिम्मेदार की पेमेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार ये चाहता है कि पेमेंट मेरे खाते में ना आके आड़ती के खाते में पेमेंट आए, सरकार को इस पे अडामेंट नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि खाते में मेरे खाते की बजाय आड़ती के खाते में पेमेंट आए, वो सरकार को आड़ती के खाते में ही उसकी पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि समय बेसमय बीमारी और हर प्रकार से आड़ती जो है किसान के साथ खड़ा होता है। आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ है। बैंकों की 5 दिन मान लो बंद हो गए, 2 दिन बंद हो गए, 3 दिन बंद हो गए, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी या कोई और उसको पैसों की ज़रूरत है, वो आड़ती के पास ही लेके जाता है। लेकिन अगर सरकार धक्केबाजी से कि नहीं हमने तो जिम्मेदार के खाते में ही पेमेंट करनी है, उससे आने वाले समय में जिम्मेदार का बहुत बड़ा अहित होने वाला है, क्योंकि जिम्मेदार ने कभी शादी भी करनी है, कोई किसी ने अपनी लड़की का छुच्छक देना है, किसी ने कुछ करना है, जिम्मेदार को हर प्रकार से आड़ती का साथ मिलना चाहिए। अगर आड़ती उसको पेमेंट नहीं देगा उस जिम्मेदार बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, उसको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी। तो लंबे लॉन्ग टर्म में इस पॉलिसी का बहुत बड़ा नुकसान जिम्मेदार को होने वाला है। आड़ती तो अपना आड़ती को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार बेशक जिम्मेदार के खाते में पेमेंट करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे आड़ती को प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे सरकार कहती है कि हम 12%
गेहूं का माल लेंगे, लेकिन जब गेहूं का सीजन आता है उसमें लू चलती है, 12% माल वाला 10% रह जाता है, 10% वाला 8% मॉइस्चर रह जाता है, उसमें माल में कटौती आती है। तो अगर सरकार जिम्मेदार की पेमेंट माल जिम्मेदार की माल की पेमेंट कर रही है तो वो पैसे की कटौती भी सरकार को जिम्मेदार से करनी चाहिए, आड़ती से कटौती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माल सूखा किसका है, वो जिम्मेदार का सूखा है। 12% की बजाय मॉइस्चर 10% आ गया, वो जिम्मेदार का आ गया। दूसरा मेरा एक सुझाव है, सभी मंडियों में सरकार को गेट पे मॉइस्चर चेक करने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर वाला जो माल है वो मंडी में ना आ सके, ये और मंडी में कोई भी उसको ना खरीदे। और एक्स्ट्रा मॉइस्चर वाला माल मंडी के बाहर सुखाओ जो मर्जी करो, लेकिन एक्स्ट्रा मॉइस्चर वाला माल मंडी पे आएगा, वो आड़ती और कई बार किसान जो है वो कहता है कि नहीं जी मेरी तोल दो मैं जिम्मेवार हूँगा। तो वो जो कटौती मॉइस्चर की कटौती है वो जिम्मेदार से ही, जब सरकार जिम्मेदार को कहती है हमने पेमेंट करनी है तो उसी के खाते में उसी के माल में से मॉइस्चर कट उसी। अब आपको कितना परसेंट कहा है सरकार ने देने में? हमें सरकार कहती है कि आपको 2.5% आड़त दी जाएगी और मजदूरी दी जाएगी, ये सरकार ने बोला है। हमें इसमें आड़तियों को इसमें काम करने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ मॉइस्चर कट जो है वो जिम्मेदार से काटो, और जो जिम्मेदार ये कहता है कि मेरी पेमेंट जो है आड़ती के खाते में होनी चाहिए उसको आड़ती है खाते। सुखदेव जी, 1 अप्रैल से गेहूँ की खरीद शुरू हो रही है, 1975 रुपये सरकार ने किसान के खाते में ना आने चाहिए, पैसे आने चाहिए आड़ती के खाते में जी। जो है क्या नुकसान है उसमें आपका? अपना नुकसान है जिम्मेदार, क्या नुकसान है थोड़ा बताएं है? हम आड़ती पे लेके ये भाग जाएंगे, आड़ती वजह 10 लाख उठा लिया, वहाँ 2 उठा लिया, वहाँ गवर्नमेंट थोड़ी देगी। लेकिन किसानों को फायदा भी तो होगा इसमें, पूरे पैसे मिलेंगे किसानों को। अगर कारण तो पूरे पैसे क्या करेगा, अगर आड़ती पे हम जाते हैं तो आड़ती वजह पैसे लेकर आते हैं, हैं आड़ती के खाते में जाना चाहिए पैसा। किसान का कोई जिम्मेदार का पैसा आया हुआ आड़ती का, अगर हमें वो भी देना है तो जिम्मेदार कहाँ दे देगा? आपके मोबाइल में मैसेज आ गया आप जाने का फसल लेके? ना अभी भी नहीं आया। कब तक आने की उम्मीद है? क्या पता अभी रजिस्टर कराया नाम आपने? हाँ जी, और किसान के खाते में देना कटना चाहिए, आड़ती के खाते से कटे। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।